हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर सिंह पर। तो एक बहुत बड़ी खबर आज निकल के आई है आज के न्यूज़पेपर में, जो दिया गया है हम आपको पूरा न्यूज़पेपर दिखाएंगे क्या क्या कहा गया है, प्रोफेसर ईश्वर शरण जी ने क्या कहा है, वो सारी चीज़ें मैं आपको ले चलूँगा अभी वहाँ पर दिखाता हूँ हर एक चीज़। लेकिन उसके पहले अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो और इस वैकेंसी का इंतजार आप बेसब्री से कर रहे हो तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि यहाँ पर इससे रिलेटेड आपको हर एक न्यूज़ बिल्कुल सही और सबसे पहले मिलती है। तो सब्सक्राइब जरूर करिए, हम बढ़ते हैं अपनी न्यूज़ की तरफ। चलिए गाइस, तो देखिए ये आज के न्यूज़पेपर आपके हिंदुस्तान में निकला हुआ है। जिन जिन बच्चों के यहाँ हिंदुस्तान न्यूज़पेपर आता होगा भाई, बेसिकली जो लोग यूपी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी का इंतजार कर रहे हो वो लोग यूपी के ही होंगे। तो यूपी के न्यूज़पेपर में दिया गया है, लखनऊ संस्करण आप ले लीजिए या फिर आप देख रहे हो गोंडा डिस्ट्रिक्ट आप उठा लीजिए, आपको ये मिल जाएगा। लगभग सर हर एक डिस्ट्रिक्ट में दिया गया है ये, ठीक है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर आप न्यूज़पेपर क्यों दिखा रहे हो, मेरे यहाँ भी न्यूज़पेपर आता है। तो देखो भाई, आपके यहाँ न्यूज़पेपर आता है बड़ी अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे बच्चों के यहाँ न्यूज़पेपर नहीं आता है। और जिन बच्चों के यहाँ आता भी है तो जरूरी नहीं कि वो हिंदुस्तान का ही पेपर आता हो, ठीक है, या बहुत सारे पेपर में नहीं आता है। हो सकता है ये न्यूज़ दी ही ना गई हो दैनिक जागरण या और भी अमर उजाला में, हो सकता है ना दी गई हो, क्योंकि मैंने नहीं देखा दी गई कि नहीं दी गई, ठीक है, क्योंकि मैंने एक ही न्यूज़पेपर पढ़ा और उसी में मुझे न्यूज़ मिल गई तो मैंने इस न्यूज़ को लेकर आ गया। तो जिनको भी नहीं पता है वो लोग ध्यान से देख लीजिए क्या दिया गया है इसमें। हालांकि यहाँ पर जो आप देख रहे हो अवसर हिंदुस्तान जॉब्स, इसमें जो लिखा हुआ है मैं आपको धीरे धीरे पढ़ने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर लिखा है प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवक्ता के रिक्त पदों पर चयन की प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। ये सब तो ये हर बार पेपर में निकालते हैं, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है आपके लिए। इसमें सिर्फ ये बताया गया है कि 2016 के बाद कोई भर्ती नहीं आई है और भर्ती के रिक्त पद इतने हैं। जो जरूरी है वो हम लोग पढ़ते हैं, जो यहाँ पर लिखा गया है 2016 में 1150 पदों पर शुरू हुई थी चयन प्रक्रिया। इसमें इन्होंने कहा है कि 35 विषयों में 1150 पदों पर चयन की प्रक्रिया शुरू हुई थी, जिसमें सबसे ज़्यादा 273 पद समाजशास्त्र विषय में थे। काफ़ी जद्दोजहद के बाद यह चयन प्रक्रिया अब पूरी हो गई है। इस बीच सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद लगातार खाली होते गए हैं। एक अनुमान के अनुसार इन महाविद्यालयों में रिक्त पदों की संख्या 6000 तक पहुंच चुकी है। समझिए, ये जो बात कर रहे हैं पीजीटी की बात कर रहे हैं, टीजीटी की बात इन्होंने नहीं की अभी तक, पीजीटी की ये बात कर रहे हैं। लेकिन अध्याचन की प्रक्रिया के अनुसार फिलहाल 4000 के करीब पद चिन्हित हुए हैं, यानी 4000 पर वैकेंसी आएगी लेकिन खाली हो गए हैं 6000 पद, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर आरक्षण का निर्धारण होते ही जारी होगा विज्ञापन। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग प्रयागराज के अध्यक्ष प्रोफेसर ईश्वर शरण विश्वकर्मा ने बताया है कि आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर चयन प्रक्रिया शुरू करने की पूरी तैयारी कर ली है। यानी इन्होंने कहा इनके अकॉर्डिंग कि जो हमारी तैयारी थी वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है, बस एक चीज अड़चन आ रही है आगे और वो है आरक्षण, यानी आरक्षण के कितने पद हैं। क्योंकि भाई मेरे, आप सबको पता है कि अब एक EWS को भी अब जोड़ा जा रहा है आरक्षण के अंतर्गत। फिलहाल हर एक जॉब में अभी EWS वालों को आरक्षण मिल रहा है। तो जिन बच्चों ने अभी उसकी सर्टिफिकेट यानी उसका सर्टिफिकेट नहीं बनवाया तो अपना बनवा लें, बाकी OBC SC ST को तो मिल ही रहा था। तो ये आपको पूरी वैकेंसी जब उनकी कंफर्म हो जाएगी कि इतनी वैकेंसी आरक्षण की है, उसके तुरंत बाद ये नोटिफिकेशन जारी कर देंगे, क्योंकि ये बहुत दिनों से ये चर्चा में चला आ रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें कि इनकी वैकेंसी कब तक आ जाएगी, तो भाई मेरे सितंबर पूरा कंप्लीट हो चुका है, इसमें तो कुछ नहीं आने वाला है। हाँ, ये उम्मीद है कि अक्टूबर लास्ट तक या अक्टूबर मिड तक हमें नोटिफिकेशन मिल सकता है, क्योंकि अब मुझे लग रहा है ये विलंब नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी आपको क्या लगता है, वैसे इतने दिन से पेपर में आ रहा है तो अब इनको कुछ ना कुछ एक्शन लेना ही चाहिए। बाकी मैं कोई भाग्य विधाता नहीं हूँ, ना ही मैं इनके अंदर कहीं पर काम करता हूँ, ना ही मेरी इनसे बहुत एकदम पर्सनल कॉन्टैक्ट है कि मैं आपको सही एग्जैक्ट चीज़ कुछ बता रहा हूँ। लेकिन हाँ, जो पेपर में आता है वो मैं न्यूज आपको, चाहे पेपर में आए, चाहे नोटिस में आए, चाहे कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, आपको मैं सही न्यूज लाकर आपको देने की कोशिश करता हूँ। हाँ, किस में आएगा ये मैं भी अनुमान लगा सकता हूँ, आप भी अनुमान लगा सकते हो, ठीक है। तो मेरा अनुमान तो यही कहता है कि अक्टूबर में नोटिफिकेशन हमको देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपके काम की सारी चीज़ें मिलती रहती हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।